मैं पूरे सदन को आमंत्रित करूंगा कि वह उत्तर प्रदेश में आए और उत्तर प्रदेश में आप देखते रहिए बहुत कुछ बंदी होने जा रही है वहाँ। सीएम बनने के बाद लोकसभा में अपने विदाई भाषण में योगी आदित्यनाथ ने यूपी में बहुत कुछ बदलने की बात कही थी और वो उस बदलाव की शुरुआत कर चुके हैं। यूपी में अवैध बूचड़ खानों पर रोक लग रही है तो एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया जा रहा है। इसी बीच योगी आज अचानक मुख्यमंत्री आवास के पंचम तल पहुंच गए, जहां उन्होंने हर कमरे का जायजा लिया। इस विजिट के बाद योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन के अंदर अधिकारियों के पान गुटखा खाने पर रोक लगा दी है और ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया। पूरा स्वच्छ वातावरण और स्वस्थ वातावरण यह एनएक्सी का भी रहे और प्रदेश का भी रहे, परिवर्तन जो हुआ है वो दिखाई देना चाहिए और जहां कहीं भी गंदगी देखने को मिली है वो तत्काल साफ रहे और सभी संबंधित विभागों को, अधिकारियों को, सचिवों को, प्रमुख सचिवों को भी निर्देश दिया गया है जो स्वयं ध्यान दे करके स्वच्छता जो दो एक स्वच्छता सप्ताह मनाया जा रहा है इसमें पूरी जिम्मेदारी से वह स्वयं भी ध्यान दें। पान मसाले के लिए भी उन्होंने कहा है, प्लास्टिक के लिए उपयोग के लिए भी कहा है, पान के लिए भी कहा है, किसी भी प्रकार की परिसर के अंदर सरकारी जो भी भवन है, सरकारी जो स्थान है वहाँ गंदगी ना। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री कार्यालय में ये पहला दिन था। जब योगी कार्यालय पहुँचे तो अधिकारियों में हड़कंप मच गया। कार्यालय में पहले ही दिन योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। योगी ने बूचड़खानों को लेकर एक्शन प्लान मांगा है तो गौ तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। यही नहीं, प्रदेश में चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस गश्त बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ साथ सरकार द्वारा उन लोगों की समीक्षा भी की जाएगी जिन्हें राज्य द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है। अगर किसी को सुरक्षा की जरूरत नहीं है तो उसकी सुरक्षा वापस ली जा सकती है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।